नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नीट और जी प्रवेश परीक्षाओं को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। परीक्षा को लेकर दो गुट बढ़ चुके हैं। एक वर्ग परीक्षा कराए जाने पर सहमति जता रहा है तो दूसरा हिस्सा परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहा है। विपक्षी दल परीक्षा टालने की मांग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने छात्रों के समर्थन में ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है, जिसमें छात्रों समेत लोगों से जुड़ने की अपील की गई है। छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़िए, #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी आज 10 बजे से। आइए सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें। इससे पहले 26 अगस्त को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसद के मॉनसून सत्र से पहले कई मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई। इसमें नीट और जेईई मेन परीक्षाओं का भी मुद्दा उठा। बैठक में दिल्ली समेत 7 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया है कि वो संयुक्त रूप से सितंबर में परीक्षाएं कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे समीक्षा याचिका लगाएंगे और शुक्रवार को 2 राज्यों के मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और परीक्षा कराने की समीक्षा की मांग की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि स्टूडेंट्स की परीक्षाओं और अन्य समस्याओं के मुद्दे से केंद्र सरकार लापरवाही से निपट रही है। बैठक में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के साथ मुख्यमंत्रियों को SC जाना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसके बाद आज कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, साथ ही दोनों परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की। पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित प्रदेशों के बाद अब उड़ीसा सरकार भी नीट और जेईई की परीक्षा टालने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और इन परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया है। ANI के मुताबिक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान CM पटनायक ने PM मोदी से कोरोना वायरस के हालात और राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ के मद्देनजर नीट और JEE की परीक्षाएं टालने का अनुरोध किया। कोरोना वायरस के कारण ये परीक्षाएं पहले ही 2 बार टाली जा चुकी हैं। JEE मेंस परीक्षा मूल रूप से 7 से 11 अप्रैल को आयोजित होनी थी, लेकिन इसे 18 से 23 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। नीट परीक्षा मूल रूप से 3 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन इसे 26 जुलाई के लिए टाल दिया गया था। इन परीक्षाओं को एक बार फिर सितंबर के लिए टाल दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।